बीजेपी नेता और सोशल मीडिया स्टार सोनाली फोगाट की हत्या के मामले में गोवा पुलिस ने पांचवी गिरफ्तारी की है। गोवा पुलिस ने आरोपी रमा मांड्रेका को गिरफ्तार किया है। मांड्रेका पर आरोप है कि उसने पैडलर दत्त प्रसाद गांवकर तक ड्रग्स पहुंचाई थी, जिसके बाद गांवकर ने सुधीर सांगवान के ड्रग्स बेची थी। गोवा पुलिस ने मामले में अब तक जो पांच गिरफ्तारियां की हैं, उनमें मुख्य आरोपी सुधीर सांगवान और सुखविंदर सिंह के अलावा गोवा के करलेज रेस्टोरेंट का मालिक एडविन न्यूंस, ड्रग पैडलर दत्त प्रसाद गांवकर और रमा मांड्रेका शामिल है। पुलिस ने शनिवार को करलेज के रेस्टोरेंट के प्रसाधन से सिंथेटिक ड्रग बरामद की थी, जिसके बाद रेस्तरा मालिक को गिरफ्तार कर लिया गया था। वहीं ड्रग पैडलर दत्त प्रसाद गांवकर की गिरफ्तारी शुक्रवार रात को की गई थी। पुलिस ने कल दो मुख्य आरोपियों समेत चार आरोपियों को गोवा की मापुसा कोर्ट में पेश किया था, जहां से उन्हें 10 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया था। सोनाली फोगाट मर्डर केस को लेकर शनिवार को गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने भी कहा कि गोवा पुलिस सजा जरूर देगी। सीएम प्रमोद सावंत ने कहा, पहले दिन से जांच में पूरा समर्थन किया जा रहा है और जो इसमें शामिल होगा उसे गोवा पुलिस जरूर सजा देगी और अभी आरोपी पुलिस हिरासत में है, जांच पूरी तरह से की जा रही है।